हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्या कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखें और वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, बशर्ते कि उसकी स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो उस सर्कुलर पाथ की सर्कमफ्रेंस पे कवर कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, तो क्या होगा कि अगर ये मूव करते हुए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो अलग अलग पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो इस पे मूव कर रहा है, और मूव करते हुए अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस यहां पर कवर कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि यहां पर जो इसका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखिए बच्चों, यहां पर एक और चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, जैसे कि मान लीजिए ए से यहां पर बी तक आ रहा है, इसमें टाइम लगा हमारे पास टी टाइम लगा, इतने ही टी टाइम में ये बी से इस पॉइंट सी तक पहुंचता है टी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर ऐसा कुछ मोशन हो रहा है कि इस सर्कुलर पाथ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ये कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड जो है इस सर्कुलर पाथ पे वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऑल्दो दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म बट इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कहा जा रहा है, लेकिन ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों अगर हम इसके मोशन को देखें, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने जो तीन पॉइंट लिए हैं, इन तीनों पॉइंट पर ही हम देखें ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो अगर हम यहां पर क्या करते हैं, एक ऐसे इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट बी पर अगर इसका टेंजेंट एक ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन ये है। सी पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन हमको ये दिखाई पड़ती है। अगर ऐसे ये नेक्स्ट पॉइंट हम डी ले लेते हैं तो इस पर हमारे मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर इस सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहा है, लगातार जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन दिस मोशन इज नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कहा जा रहा है, लेकिन ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन क्या है ये तो समझ में आ गया। अब इसी से जुड़े हुए कुछ रिलेटिव टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है? तो देखिए, हमने बताया था कि ये सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए से इस पॉइंट बी तक जाता है ऐसे, तो जो एंगल इसके सेंटर से सबस्टेंड होता है इसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
बात समझ में आ रही है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर सेंटर से अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो सेंटर से एंगल सस्टेंड हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अगर हम टाइम से निकालें, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देखिए कितना एंगल यहां पर बना, थीटा बना, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा अपॉन टी या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि किसी सर्कुलर पाथ पर किस तरीके से उसका एंगल उसके सेंटर से चेंज हो रहा है उसी के टाइम रेट को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इनके जो अगर आप यहां पर यूनिट्स देखना चाहें, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि एसआई यूनिट्स अगर आप देखना चाहें, तो एसआई यूनिट्स जो होती हैं थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, रेडियन, या फिर हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन हमारी जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होती है। ठीक है, कभी भी हम रेडियंस में यानी कि पाई में इनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, 2π, 3π, 2π/3 इस तरीके से हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम रेडियन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 360 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री ये जो वैल्यूज है वो डिग्री में है। तो अगर एसआई यूनिट से की बात की जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल मार्क एज रेडियन, इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो आपका एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बाद एक दो और चीजें हैं, उन्हें भी हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। व्हाट इज टाइम पीरियड, तो देखिए ये हमारा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए एक सर्कुलर, ये जो पूरा एक सर्कल इसका कंप्लीट करने में, इस पॉइंट ए से चल के अगर दोबारा ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट ए पर आ जाता है, तो जितना टाइम अपने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बात समझ में आई, टाइम पीरियड क्या है, तो वो टाइम है जो एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, मतलब कि इस सर्कल पर पॉइंट ए से चलकर कोई अगर पॉइंट ए तक पहुंच जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसने अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम स्पेंड किया उसने उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसका टाइम पीरियड कह रहे हैं। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट सेकेंड होती है।
क्योंकि ये टाइम को ही डिनोट कर रहा है, तो इसकी एसआई यूनिट सेकंड्स होगी। इसके अलावा दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर हमको पढ़नी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ पर चलता हुआ ऑब्जेक्ट अपना रिवोल्यूशन एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है एक सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है अपने सर्कुलर पाथ पे फिर से कंप्लीट उसको कर रहा है। जैसे कि आपका फैन है, ठीक है, सीलिंग फैन जो है आप उसे ऑन करते हैं तो आप देखते हैं वो तेजी से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवोल्यूशन जो है उसका एक सेकंड में कितनी बार वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट्स हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। और इसको हम कई सारे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कोई सी भी आपको यहां पर लेटर मिल जाएगा जिससे फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया गया होगा। इसको हम, ये आपका सिंपल लेटर है एन, ये क्या है? इसको हम न्यू कहते हैं, न्यू। और ये एफ, स्मॉल एफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? अभी आपको बताया गया कि एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए उसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। इसको हम अगर रिलेशन देखना चाहें कि टाइम आपस में हमको रिलेशन यहां पर एस्टेब्लिश करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहां पर कुछ कंसिडरेशन करते हैं कि इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इस सर्कुलर पाथ पे, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी एट दिस पाथ इज टी। अगर हमने मान लिया कि टाइम पीरियड टी है और एक सेकेंड में एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो रहे हैं तो यहां पर हमको पता है कि सिंस एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन वन सेकेंड, अगर एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकेंड में हो रहे हैं तो अगर मैं ये कहूं कि वन रिवोल्यूशन, वन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन कितने सेकेंड हो जाएगा? वन अपॉन एन सेकेंड हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से जैसे हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वन सेकेंड में हो रहे हैं तो एक रिवोल्यूशन होने में जो टाइम लगेगा वो वन अपॉन एन सेकेंड हो जाएगा। और एक रिवोल्यूशन होने में जितना टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड कहा जाता है, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन है। और यहां पर हमको पता है कि एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन या फिर टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ और t इज इक्वल टू वन अपॉन न्यू, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? आपको बताया मैंने, हर्ट्ज होती है, ठीक है। और टाइम पीरियड की सेकंड होती है, तो वन अपॉन सेकंड इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्ज, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होंगे उनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।